लोगों ने सीधे वोट दिया था, ये करेंगे करेंगे कुछ करेंगे, अच्छा ही करेंगे, अलग से करेंगे, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे, क्या किया जा सकता। गंदगी है और क्या इससे बच्चों को भी परेशानी होती है। दो तीन दिन पहले तो निकलने का हाल नहीं था यहाँ से, इतना ज़्यादा गंद था यहाँ पे। ज़्यादा बदबू, मतलब खाना खाने में, स्मेल आने में, काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब कुछ खाया नहीं जाता। एक तरफ बात होती है राजधानी दिल्ली को काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं देने की, दिल्ली के विकास की, और दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो हमें हैरान परेशान कर देती हैं कि क्या ये वही दिल्ली मॉडल है जिसकी सरकार जो है बातें करती है, सरकार जो है दावे करती है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज़तर्रार न्यूज़, जहाँ हम दिल्ली से जुड़ी हर ज़रूरी खबर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। अब कुछ दिन हम आपको कुछ ऐसी खबरों से रूबरू करवाएंगे जिसे जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। दिल्ली में कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको लगता है कि सरकार दावे करती है लेकिन काम नहीं होता, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जीवन पार्क इलाके में, जहाँ पर ये कूड़े का जो पूरा पहाड़ है ना, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा मेरे आसपास। यहाँ पर तमाम लोगों से जुड़ेंगे जो यहाँ के निवासी हैं, आसपास रहते हैं, आसपास उनकी दुकानें हैं, उन्हें इसकी वजह से क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, एक बार उन लोगों से जुड़ेंगे और पूरी खबर आप तक पहुँचाएंगे कि आम लोगों का इस कूड़े के पहाड़ ने क्या हाल कर रखा है, पूरा आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल है। यहीं रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ। ये जो कूड़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है, कितने समय से इस तरीके से यहाँ पर है? ये तो 30 साल से ही है ये कूड़ा। कितने साल से? 30 साल से। 30 साल से लोग यही कूड़ा फेंकते हैं। फेंकता कौन है जो यहाँ रहने वाले हैं? वाले जिन्हों के यहाँ मकान है। क्या कोई सफाई नहीं होती यहाँ? यहाँ कोई सफाई क्या, कोई एमएलए भी कोई नहीं सुनता यहाँ। एमएलए भी अपने कुर्सी लेके बैठे रहते हैं, कोई आता ही नहीं है यहाँ। इससे आपको क्या परेशानी आती है? परेशानी क्या, बदबू आती है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं यहाँ, कोई सुविधा ही नहीं है। देखिए, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अभी तो एक हफ्ता पहले यहाँ इतनी बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा, यहाँ से निकल नहीं सकता था कोई, ये हालत थी। आज सारे स्कूल के बच्चे यहाँ से आते हैं, पता नहीं कैसे आते कैसे नहीं आते, सबके मुँह पे कपड़े रहते हैं लगे हुए टोटल। कितने समय से ये ऐसे ही है? ये तो हाँ 20-25 साल से हम देख रहे हैं इसको। आप देख रहे हैं ऐसा कैसे ही है? ऐसे कैसे है, जैसा था ऐसी है, यहाँ कोई वो नहीं है। यहाँ का मलबा जरूर बढ़ गया पहले से, एक महीने से कुछ ज़्यादा ही बदबू है यहाँ पे। सफाई के लिए कोई आता है? आते हैं, फिर यहीं दफना देते हैं उसे मिट्टी में डाल के, और क्या कहते हैं फिर जो कुत्ते लोग आते हैं, कुत्ते भी होते हैं, वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। डेड? हाँ डेड, 4-5 पिक्स पड़े हुए थे यहाँ पे। खुद ही मरे थे या क्या था? ये नहीं पता हमारे को, खुद मरे हैं क्या है, लेकिन पिक्स पड़े हुए थे डेड। तो अचानक ही कल ही दिखे आपको? पहले से थे? पहले से थे, वो पहले से थे, वहाँ से ला के यहाँ पे दफनाते कुछ उस साइड पे थे। गंदगी की वजह से, कूड़े की वजह से आप लोगों को क्या परेशानी आ रही है? ज़्यादा बदबू, मतलब खाना खाने में, स्मेल आने में, काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब कुछ खाया नहीं जाता, मतलब थोड़ी घबराहट होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्मेल, अब तो फिर भी कम है। बीमारियों का देखने को मिलती है लोगों में ज़्यादा, इतनी मक्खियाँ हो रखी हैं बहुत ज़्यादा, अंदर कितना भी पोछा लगा लो कितना भी, बहुत ज़्यादा मच्छर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सोल्यूशन नहीं दिया अभी तक किसी ने? नहीं, वो आते हैं अपनी उससे क्रेन से लगा के दबना देते हैं, उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर पूरे वही वो मतलब दूसरे दिन वही हालत हो जाती है। गंदगी है और क्या इससे बच्चों को भी परेशानी होती है। दो तीन दिन पहले तो निकलने का हाल नहीं था यहाँ से, इतना ज़्यादा गंद था यहाँ पे, इसको तो कंप्लेंट करो। लास्ट टाइम सफाई कब हुई थी? पता ही नहीं मैम कब हुई थी। अच्छा, ये जो कचरा डालते हैं डालता कौन है आखिर इतना? मैम लोकल यहीं यहाँ के और कौन है, लोकल डालते हैं और कौन ही डालता, और कौन डालेगा, बट इसको तो बिल्कुल भी कवर नहीं करवाते, कंप्लेंट कर करके थक जाओ एमएलए वगैरह को, कोई कुछ सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आप कितने समय से देख रहे हैं गंदगी? मेरे को तो मैम यहाँ पे आए 13 साल हो गए, 13 साल से ऐसे ही है गंदा, पहले तो इससे भी ज़्यादा गंदा था, अब थोड़ा बहुत साल हुआ मतलब है। ये जो अभी नज़ारा हम देख रहे हैं साफ है पहले से? पहले से हल्का बहुत, ज़्यादा नहीं। सालों से साफ नहीं हुआ? साल से बिल्कुल साफ नहीं हुआ अब तक। आपने सफाई नहीं देखी 7 सालों में अब तक? बोलते हैं इसको हम ढकेंगे करवाएंगे कवर, कोई नहीं करवा। कौन बोलता है? यहाँ के जो है एमएलए वगैरह, राजेश ऋषि। राजेश ऋषि से तो अभी तक मेरा कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, जो पहले थे वो भी यही बोलते थे। बाबा क्या नाम है? प्रेम नारायण शर्मा। आज कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे रह रहा हूँ कम से कम मुझे 31 साल हो गए। ये जो गंदगी इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है इसका आलम? ये पिछले 7-8 साल के अंदर ही है, जब से ये आए हैं
नई पार्टी है, जब से नाले साफ नहीं कराते, बस ये कहते हैं हम करा रहे हैं, कभी कोई मशीन आती है थोड़ा सा कूड़ा उठाया और उसके बाद फिर ये गायब, बस सिर्फ मुझे लगता है कागजों में काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आप जाकर देखो, यहाँ से दावड़ी तक नाला बंद हो गया था, पर गवर्नमेंट बदलने के बाद नाले का बंद होने का काम रुक गया। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी के आदमी आने के बाद कोई काम नहीं, सिर्फ ये दिखाते हमने बहुत काम किया। कौन सी पार्टी ने काम किया था फिर? मुखी साहब जब थे यहाँ पे, बीजेपी के वो थे MLA, वो हर साल यहाँ पे तकरीबन मई के अंदर हमेशा नाले को साफ कराते थे और सैकड़ों ट्रक सिल्ट इसमें से निकलता था। उसके बाद पिछले 7-8 साल जा रहा है, इसमें से कोई सिल्ट नहीं निकला, बस ऐसे ही निकालते हैं, दिखा के चले जाते हैं। मशीन आती जरूर है एक बार ही, कहीं कहीं लगेगी, इसके अलावा कोई काम नहीं, सिर्फ दिखावा हो रहा है, सिर्फ दिखावा है। RTI बताती है कि ये नाला हर साल साफ हो रहा है, पर नाले की कोई सफाई नहीं हो रही, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई काम नहीं हो रहा, जो काम होना चाहिए था वो हो ही नहीं रहा। नाला ढकने की तो खैर वो प्रॉब्लम लंबी है, वो आराम से नहीं हो सकती, पर सफाई का काम हो सकता है, जो ये नहीं कर रहे हैं। इतना ज्यादा बोला जाता है, दिल्ली मॉडल की बात होती है, दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, इतना विकास कर दिया है, लेकिन ये कुछ यहाँ जो नज़ारा दिख रहा है वो तो उलट ही नजर आ रहा है। सिंगापुर कहाँ से बना देंगे, या तो अपना पेट भर लेंगे या सिंगापुर बना देंगे। ऐसी बेईमान पार्टी वो क्या करेगी, शराब के ऊपर आपको देख लो कितना आ रहा है, जहाँ 300 कुछ रुपये जी उसके अंदर आता था वैट के अंदर, और एक्साइज में आता, उन्होंने 1 रुपये 93 पैसे तो कर दिया एक्साइज, और 1 रुपये 30 पैसे कर दिया वैट, और शराब की जो एक बोतल पीछे होलसेल में आती है उस पर उन्होंने 12.5% कर दिया। गवर्नमेंट बेचती शराब इनको, गवर्नमेंट के थ्रू इन्होंने प्राइवेट बना दिए, प्राइवेट के जो बड़े बड़े ठेकेदार थे जो शराब बनाते हैं उनको 2-2 जोन दे दिए, 57 54 दुकान उनको दे दिए, ऑल आउट कर दिया। आप बताओ ना, वो किस तरह से देश का भला कर सकते हैं। यह काम सारा दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, DSIP में जो बाढ़ नियंत्रण वाला है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, उनके अंडर है। MCD का काम तो नालियों और गलियों का साफ करना है, इसके अलावा कोई, वो साफ है, यहाँ पर साफ है, देखो जाकर अंदर कॉलोनी में अंदर घुस के। मतलब आप आम आदमी पार्टी से बिल्कुल भी खुश नहीं है? खुश होने का काम ही नहीं हो सकता, काम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से खुश होगा। लोगों ने इसी पे वोट दिया था, ये करेंगे कुछ करेंगे, अच्छा ही करेंगे, अलग से करेंगे, पर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे, क्या किया जा सकता। शिक्षा नीति देख लो, बड़े अच्छे स्कूल हैं, जाके स्कूल में एक स्कूल दिखाएंगे जिसमें बड़े अच्छे बेंच हो गए, सामने स्कूल में जाके इंटरव्यू ले लो, कितने नए बेंच आगे बता रहे, कुछ नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत कर ली गई, क्या कुछ परेशानियाँ उन्हें इस कूड़े के पहाड़ की वजह से आ रही हैं वो आप तक पहुँचाया। एक बार आपको दिखा देती हूँ, आकाश जरा उस तरफ दिखाइए कि वहाँ से इस कूड़े के ढेर की जो है शुरुआत हुई है, और आपको लेके चलूँगी कि कितने आगे तक ये जो कूड़े का पूरा पहाड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो। और हैरानी की बात तो ये है सबसे ज़्यादा कि कुछ लोग यहाँ पर मिले जिनका कहना है कि वो 25 सालों से इस गंदगी को इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, और आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा गंदगी है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि मतलब यहाँ पर जो है थोड़ी देर खड़ा होना भी दुश्वार सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे होंगे, ये एक सोचने वाली बात है। कई दावे किए जाते हैं दिल्ली को अच्छा बनाने को, दिल्ली को सिंगापुर मॉडल बनाने की, लेकिन उस सिंगापुर मॉडल की जो सच्चाई है कुछ यहाँ कूड़े के ढेर में पसरी हुई नज़र आ रही है। और देख लीजिए कितनी दूर तक होगा ये, कम से कम मुझे लगता है 500 मीटर की दूरी तक ये कचरे का जो ढेर है इसी तरह से फैला हुआ है। और कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनका तो यहाँ तक कहना है कि 25 सालों से वो ऐसा ही देख रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर टकराए, उनका कहना है कि पिछले 7 सालों से यहाँ पर कोई सफाई ही नहीं हुई है, कई बार विधायक के पास चले गए, कई बार जाकर शिकायतें कर दी हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई करवा दीजिए, हमें दिक्कत आती है, लेकिन उन शिकायतों का उन विधायकों के कान पर कोई असर नहीं होता, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। बहरहाल दिल्ली को लेकर इतने दावे किए जा रहे हैं, आजकल सदन तक में हंगामा चल रहा है कि दिल्ली में शिक्षा मॉडल अच्छा हो गया, दिल्ली की सड़कें अच्छी हैं, पानी अच्छा है, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत भी आपको दिखा रहे हैं। अगर आपकी भी नज़र में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको इस तरीके की गंदगी नज़र आ रही हो, आपने शिकायतें करी हों लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, तो ज़रूर बताइएगा, हम वहाँ पर आकर भी उस इलाके की पूरी सच्चाई दिखाएंगे कि आखिर सरकार ने क्या काम किया है, विधायकों के पास जितनी बार शिकायतें गई हैं उनकी क्या कुछ सुनवाई हुई है लोगों की या फिर नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने योग्य है, बात यह है कि ये जो कूड़े का ढेर यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसमें क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है,
क्योंकि ये कूड़ा जो यहाँ पर इतना ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है और इतने सालों से ये जो लोग कह रहे हैं कि इतने सालों से यहाँ पर इकट्ठा है, कोई और नहीं बल्कि कॉलोनी के लोग ही यहाँ पर फेंक कर जाते हैं। और इस बात को खुद इन लोगों ने ऑन कैमरा कबूल किया है कि कॉलोनी के ही लोग हैं जो यहाँ पर कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि एक शख्स तो हमारे सामने ही यहाँ पर कूड़ा फेंक कर चला गया। तो क्या यहाँ पर सिर्फ सरकार को ब्लेम करना सही है? इस मामले को लेकर आप ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके के जब भी कूड़े का कहीं ढेर है तो फेंकने वाले तो आम जनता ही है, तो क्या सरकार को यहाँ पर घेरना सही होगा? क्या यहाँ पर आम आदमी जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनकी ज़रा भी गलती नहीं है? आप ज़रूर बताइएगा इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।